मैं किशन दीक्षित, महासचिव समाजवादी युवा सभा। किस तरह का आज कार्यक्रम आज रखा गया है? आज हम सब नौजवान, बनारस के नौजवान, काशी के नौजवान, जो बनारस को क्योटो बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास के अंतर्गत लगातार जो तोड़फोड़ की जा रही है, गरीबों को मकानों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा गया, घाटों को छत बिछत किया गया, साथ ही साथ हिंदुस्तान की जो विरासत है, अब उन विरासतों को भी नष्ट करने का जो कार्य ये सरकार कर रही है, उसके विरोध में आज हम गांधी जी के समक्ष सत्याग्रह मुँह पर काली पट्टी बांध कर बैठने का काम करेंगे। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा कि सर सेवा संघ कि जिस प्रकार से इन्होंने उखाड़ कर फेंकने का काम किया, कल रोहनिया में गांधी चौतरा का भारत माता मंदिर को जिस प्रकार से बुलडोजर चढ़ाकर तोड़ने का काम किया गया है, ये निश्चित तौर से हिंदुस्तान की विरासत को ख़त्म करने का एक कुचक्र रचा जा रहा है, जिसके खिलाफ हम सभी नौजवान एकत्रित हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मैं रविकांत विश्वकर्मा। आज हम सभी समाजवादी साथी गांधी जी की प्रतिमा के नीचे मौन रख के सत्याग्रह कर रहे थे। सत्याग्रह इसलिए कर रहे थे कि बनारस में भाजपा के बलात्कारी जेल से छूट गए हैं और उनका मन बढ़ाने के लिए स्थानीय विधायक उनका माला पहना के स्वागत करता है। इसलिए हम चाहते हैं सारे बनारस के लोग और कोई भी विशेष करके बहन बेटियों वाले परिवार सजग और सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि ये दंगाइयों का, बलात्कारियों का, नफरत फैलाने वालों का मन बढ़ाने के लिए उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये नफरत की दुकान चलाना चाहते हैं। हम जैसे समाजवादी हैं, हम लोग संघर्ष करेंगे और सत्याग्रह करेंगे, इनके कुचक्र को तोड़ने का काम करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।